नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। एशिया कप 2023 का रोमांच तो चालू है, लेकिन इसमें भारत के मैचों का रोमांच अभी तक वैसा नहीं दिखा जैसे दिखना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पल्ले केले का खराब मौसम। श्रीलंका के पल्ले केले में पाकिस्तान के खिलाफ खेला भारत का पहला मैच बारिश में धुल गया, और अब मेन इन ब्लू के दूसरे मैच पर भी बारिश का वैसा ही साया नजर आ रहा है। मतलब मैच के धुलने के आसार यहां पर भी हैं। भारत को अंक यहां भी बांटने पर मजबूर हो सकता है, और इस तरह के संकेत हम नहीं दे रहे हैं बल्कि ये तो मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइटों का कहना है। एक्यूवेदर ने भारत नेपाल के मैच के दौरान पल्ले केले का मौसम जो प्रिडिक्ट किया है उसके मुताबिक बारिश के 89% आसार है। weather.com का भी ऐसा ही कहना है, उसने पल्ले केले में भारत नेपाल मुकाबले के दौरान 80% बारिश की संभावना जताई है। मतलब साफ है कि एक बार फिर मैदान पानी पानी होगा, और जिस तूफानी खेल की उम्मीद लगाए हम बैठे हैं वो उसमें धुल जाएगा। भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले मैच को अगर बारिश की वजह से रद्द किया जाता है तो टीम इंडिया को इससे फायदा ही होगा। आपको बता दें कि एक ओर टीम इंडिया का पहला मैच रद्द हुआ था, वहीं नेपाल को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस वक्त अंक तालिका में टीम इंडिया के पास एक और पॉइंट्स और नेपाल के पास 0 अंक है। वहीं अगर इन दोनों का मैच रद्द होता है तो भारत के 2 और नेपाल के 1 अंक होंगे। ऐसे में टीम इंडिया को सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। मतलब एशिया कप खेलने का टिकट पहली बार हासिल कर इतिहास रचने वाले नेपाल के लिए जरूरी यह है कि वो भारत को हराए। इसी सूरत में वो सुपर 4 में जा सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो भारत नेपाल का मैच नॉकआउट मुकाबले की तरह है। जहां तक भारत नेपाल मैच की बात है तो बुमराह की गैर मौजूदगी में सीनियर पेसर मोहम्मद शमी और प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। शमी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मौका नहीं मिला था, अब वो इस मैच में खेल सकते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा भी इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।